आर वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, मैं जिशान आजमी। आज मैं जो आया हूँ मालवनी गेट नंबर 7 निरंकार नगर नूतन सोसाइटी, ये है मालवनी गेट नंबर 7 पर, जहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसकी ट्रैवल एजेंसी थी। बताया जा रहा उनका नाम राकेश पांडे, जो यहां पर 5 साल पहले यहां पर रहता था और उसकी जो ट्रैवल एजेंसी द्वारा यहां से कई लोगों को रशिया भेजा गया था, रशिया जॉब के सिलसिले में, और उनको मालूम नहीं था किस तरह का जॉब है, क्या है। वहां पर लोग फंस गए। यहाँ पर कल सैटेलाइट मीडिया भी आई थी, नेशनल मीडिया आया था, यहाँ पर कवरेज किया था। अब उस व्यक्ति को सीबीआई ढूंढ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम बताइए और जो व्यक्ति रहता था क्या काम करता था और किस तरह से उन मासूम बच्चों को उन्होंने रक्षा किया। मेरा नाम प्रदीप सिंह है और जो बंदा था वो राकेश पांडे करके, तो उसकी ट्रेवल एजेंसी थी। तो उस ट्रेवल एजेंसी के जरिए ऐसा पता चल रहा है कि उसने करीब हजारों लोगों को रशिया भेजा। और जॉब के सिलसिले में भेजा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो होता है वो रशिया की भाषा में था, इसलिए वो बेचारे पढ़ नहीं पाए। और उनको बताया गया कि 40,000 रुपया तुमको 3 महीने में ट्रेनिंग मिलेगी, 40,000 रुपया सैलरी दी जाएगी, 3 महीने बाद तुमको 1 लाख पगार दी जाएगी। अब वो बेचारे फंस गए वहां जाके, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखे नहीं। अब उनको रशिया से लड़ने, यूक्रेन से युद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, वो फंसे हुए हैं। अच्छा, जो यहाँ से जो लड़के जितने गए थे उनको वहां पर यूक्रेन से लड़ने के लिए मतलब लेके गए, इसके लिए लेके गए थे। तो अभी वो मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, शायद न्यूज चैनल में वगैरह में बता रहे हैं सब, उनसे गुहार लगाए हैं। तो अभी देखो क्या होता है उसको, तो लड़के को तो सीबीआई ढूंढ रही है। टोटल 1,000 लोगों को भेजा गया, तो राकेश पांडे ने कितने लोगों को भेजा? अब ये तो ट्रेवल एजेंसी चलाते थे उन लोग को ही मालूम है, कम से कम बता रहे हैं इसमें 8 से 10 ट्रेवल एजेंसियां मिलके लोगों को भेजी है। तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है व्यक्ति कहाँ रहता है, पहले यहाँ रहता था, खुद का रूम था, रिसेंटली अभी 1 साल पहले बेचा है, अभी कहाँ गए रहने इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इस बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं, व्यक्ति कहाँ है, यहाँ से उसने रूम भेज दिया है, लोकल सोसाइटी है, इन नंबर में लिए है। अच्छा, सब चर्चा में गए थे ना, मैंने गई थी यहीं का, तो बोले मेरा भी पैसा उसमें गया, राकेश पांडे मालूम है। हाँ, LIC में है और फिर सहारा में भी 3-4 हाथ वो फंसा के रख गया। तो ये एक नंबर में मतलब ये जो व्यक्ति, हाँ उधर ही कहीं है ये, इधर हमारे है ना, इधर सब गए थे, सिर्फ चर्चा वो लोग कराए थे ना अपने घर में। LIC का पैसा, हाँ LIC का भी है, जिनको पैसा दिए थे ये वही पांडे जी जमा करते थे 3 महीने। हाँ हाँ, नहीं सहारा का मेरा 3 हाथ है, वो भी पूरा भी 8-9 साल हो गया। नहीं कितने बार मैंने फोन किए, एक बार तो मैंने कुछ भी, तो मेरे आदमी बोलने लगे काय के लिए पंडित है, काय के लिए बोलती है आलतू फालतू। आप कैसे मालूम पड़े एक नंबर में रहते हैं, कौन बात मतलब जैसा सब शिव चर्चा में जाती आते हैं, वो भी आती है ना कभी। अच्छा। अभी भी आती है उनकी औरत, राकेश पांडे की वाइफ आती है, वाइफ आती है, आती है कभी। हाँ इधर कभी आती है ना, अभी लास्ट टाइम कभी आई थी, अब लास्ट टाइम हो गया 6 महीने करीब इधर, अपने गली में आते ही रहते, अब इतना टाइम थोड़ी याद रखते। 6 महीना पहले यहाँ पर राकेश पांडे की बा यहाँ पर बताया रहा आती है और ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं वो एक नंबर में रहते हैं। अभी ऐसा बात चल रही है, फ्लैट लिए, एक नंबर में फ्लैट है उनका, और उनके जो डैडी थे LIC का बिजनेस करते थे, यहाँ से कई लोगों का पैसा लिए, जो पैसा जो लिए वो भी जनता का पैसा डूब गया है, वो भी पैसा मिला नहीं है। तो राकेश पांडे और जो उनके डैडी है, राकेश पांडे ट्रैवल एजेंसी का काम करते थे और उनके डैडी LIC का भी पैसा लेके वो चले गए, किसी को दिए नहीं, ये भी एक स्कैम किया उन्होंने। और जो राकेश पांडे वो बताया जा रहा है कि वो एक नंबर में रहता है। और आप हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया, जय जय महाराष्ट्र। आप भी यही रहते हैं? हमें भी यही रहता हूँ। तो ये जो राकेश पांडे को आप देखे, पहचानते जानते? हाँ पहचानते जानते, पहनते रूम में रहता था मैं।
अच्छा, अभी रह रहे हैं अच्छा, अभी वो कहाँ रहते कहाँ खबर नहीं पता, एक नंबर में रहते थे पता है वो हमको ये भी बता रहे वो बता रहे हैं उनको मालूम हुआ एक नंबर कहाँ हमको नहीं पता। तो अभी जो मालिक है रूम मालिक वो कौन है, बदल गया मालिक बदल गया ना रूम में दिया ना मालिक बदल गया। राकेश पांडे को आपने देखा था? करीब 2 महीने पहले देखा था। 2 महीने पहले यही आया था? नहीं यहाँ नहीं, मैं दाना पानी मैच खेलने गए थे उनको देखा था मैंने। अच्छा दाना पानी मैच खेलने गए थे, जो मैच खेलते क्या वो क्या ऐसे? अच्छा मैच खेलते हैं राकेश पांडे, दोनों भाई आते हैं। अच्छा दोनों भाई आते हैं वहाँ पे, 2 महीना पहले लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये जो आप ये जो उनका ट्रैवल एजेंसी था इसके बारे में आपको कुछ मालूम आते हैं? मुझे उसके बारे में तो अभी जो राकेश पांडे ने ये कई लोगों को रशिया भेज दिया है और उनका मतलब जॉब के सिलसिले में उनको बता के रशिया भेज दिया, वहाँ पर उन जो रशिया जिन लोगों को भेजा उनको जॉब तो मिला नहीं, उनको बताया जा रहा है कि यूक्रेन जंग में शामिल होने के लिए कहा गया है, गन मशीन लेकर और सैलरी भी ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो जो जितने लोगों को भेजा गया था क्या वो लोग लौट आए यहाँ पर? कन्फर्म मुझे पता नहीं उसके बारे में, मुझे पता नहीं वो लोग क्या करते हैं रशिया एजेंसी क्या भेजें उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लोग क्या है क्या नहीं उसके बारे में, उनके काम के बारे में नहीं पता है, कारोबार उनका ट्रैवल एजेंसी काम उनका इतना मालूम है, क्या करते क्या नहीं करते उसको नहीं मालूम है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू प्रजापति। बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू जी। तो अगर पिंटू जी ने पता वो राकेश पांडे को 2 महीना पहले उन्होंने देखा था दाना पानी जो मारवी रोड दाना पानी है बीच है वहाँ पर क्रिकेट खेलने आते हैं, दो भाई है दोनों आए थे वहाँ पर देखा गया था। अब देखना है कि इसका खुलासा कब होता है, जो ट्रैवल एजेंसी जितनी ट्रैवल एजेंसी थी वो सबका मालूम कब पड़ती है कि किन कैसे उन्होंने इस तरह का स्कैम चलाया और हजारों लोगों को वहाँ पर भेजा रशिया में और रशिया में वो फंस गए, जॉब मिला नहीं। अब बताया जा रहा है भाई बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो जॉब के लिए गए थे वो उनको 5 साल की जेल हो गई, इसके बारे में क्या जानते हैं? हाँ वही ऐसा न्यूज में बता रहा है, इंडिया टीवी में देखा कि 5 साल का या तो जेल या आर्मी से लड़ो, दो ऑप्शन थे तो बेचारे वो अभी जेल में है। तो हजार के हजार लोग जेल में? हाँ उन्होंने कहा कि हम जंग में लड़ेंगे चाहे आप हमको हाँ जेल में डाल दो, क्या करेंगे जंग तो वो लड़ नहीं सकते, उनको थोड़ी आता है जंग लड़ने। जो जेल में जो जेल में जो आप बताया जा रहा है जेल पहुंच गए, तो अब मोदी सरकार क्या करती है उनको निकालने के लिए अब ये देखने वाली बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शुक्रिया। जय हिंद जय महाराष्ट्र।